हेलो स्वीटहार्ट, माय नेम इज मीनू सेठी और मुझे हमेशा लगता है कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास अच्छी वोकैबुलरी हो। इसलिए हम क्या करेंगे, हर वीक हम 6 न्यू वर्ड्स लर्न करेंगे। जब आप इन वर्ड्स को बार बार यूज करेंगे तो आपके सेंटेंसेस बहुत पावरफुल हो जाएंगे और आपकी कन्वर्सेशन बेटर हो जाएगी। और मैं आपको ये समझाने के लिए इन वर्ड्स को अलग अलग मूवी क्लिप्स दिखाऊंगी, फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी, सो दैट ये आपकी मेमोरी में परमानेंटली घुस जाए। याद रखिएगा, आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे, और थम्स अप जरूर दबाइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आज का हमारा पहला वर्ड है अग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब जो बहुत गुस्से में हो और किसी पे हमला करने वाला हो, इज लाइकली टू अटैक। अग्रेसिव वर्ड को समझने के लिए मैं आपको गदर फिल्म का एक सीन दिखाऊंगी जिसके अंदर सनी देओल इज वेरी अग्रेसिव एंड ही इज ऑलमोस्ट विलिंग टू अटैक समवन। अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आई होप अब आप अग्रेसिव शब्द का मतलब समझ गए होंगे। अब आप एक बात और याद रखिएगा कि अग्रेसिव को हम पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम किसी को अग्रेसिव कहना चाहते हैं तो वो अच्छा भी क्वालिटी हो सकता है। जैसे कि मुकेश अंबानी एक बहुत अग्रेसिव बिजनेसमैन है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस आउट ऑफ इट। लाइक वी कैन से अग्रेसिव पीपल आर नॉट ऑलवेज बैड। विराट कोहली हैज अग्रेसिव वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वी कैन इवन से आई एम नॉट अग्रेसिव पर्सन। हमारा आज सेकेंड शब्द जो होगा वो होगा अफेक्शन। अफेक्शन मतलब हम किसी को पसंद करें या किसी को लाइक करें। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक मूवी क्लिप दिखाऊंगी जो तारे जमीन से है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में कितना अफेक्शन है। Now let's practice and say some sentences with affection. Like I can say I'm a very affectionate person. Then there is a lot of affection between a parent and a child. Or we can even say we must show affection toward our parents. Or we can even say that she felt a lot of affection for the poor old beggar girl on the road. Our third word of the day is saute. सौते मतलब किसी चीज को हिलाना, बहुत हीट पे हिलाना, मे बी ऑयल या बटर डाल के कुक करना। मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ ताकि आप ये वर्ड सौते को याद कर सके। लेट्स यूज द वर्ड सौते इन डिफरेंट सेंटेंसेस। लाइक आई कैन से समबडी कैन यू सौते सम वेजीज फॉर मी। Or remember not to burn the food while sauteing it. Or you can even say it's important to saute food while cooking. आज का हमारा fourth word है grateful. Grateful मतलब किसी का आभारी होना या thankful होना कि किसी ने आपके लिए कुछ किया है। जैसे कि we should be grateful to our parents for taking good care of us. Now let's practice some sentences on the word grateful. I am grateful to my teacher for helping me. The son was grateful to his father for helping him in exam, or the man was grateful to the police for helping him find his stolen mobile phone. आज का fifth word है apologize. Apologize means गलती करने के बाद हम sorry feel करें अपनी गलती पर। Like इस picture में हम देख सकते हैं कि girl is apologizing from the boy, वो उससे माफी मांग रही है। We can use this word whenever we feel sorry. Like he felt sorry for having done a mistake, so he apologized from his teacher. Or kindly accept my apology if I have done something wrong. Or his apology was not accepted.
आज का हमारा लास्ट वर्ड है एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब, अगर इसको याद करना है तो इसको अगर हम दो टुकड़ों में ब्रेक कर दें तो इजी हो जाएगा। एम्बी मीन्स दोनों और डेक्स्ट्रस मीन्स जिसका काम अच्छा हो या जिसको स्किलफुली काम करना आता हो। तो एम्बिडेक्स्ट्रस वो इंसान जो अपने दोनों हाथों को इक्वली ईज से यूज कर पाए। मैं आपको थ्री इडियट्स का एक क्लिप दिखाती हूँ, ये शब्द आपके दिमाग में आराम से रिटेन हो जाएगा। माइंड को ऐसा ट्रेन किया था कि दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे। Now let's use the word in our sentence. She could not sign with her left hand because she was not ambidextrous. Or the boy could play the guitar with both hands as he was ambidextrous. Or we can even say an ambidextrous person can save a lot of time. अगले 6 दिन तक आप एक काम करिएगा, इन शब्दों को बार बार अपनी रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी इन वर्ड्स पे, उसके बाद आप इन्हें यूज कर पाएंगे। थैंक यू, लेट्स होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर छोड़िएगा अपने कमेंट सेक्शन में, सो दैट हम इस पर बिल्ड कर सके और आगे आपको वो क्या बिल्ड करने का तरीका बता सके। थैंक यू।